का सब देश आंख दिखाता है उसमें हम लोग सार है कि नहीं, यही एगो है, नहीं दिया नहीं दिया लाल से नहीं दिया भोंके मेरा कही मैंने पूरा विश्व में डंका बज रहा। हाँ डंका साई उतना ही दीजिए जाको मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं न साधु पास भूख में मर जाए लेकिन दूसरा देश से कायर नहीं बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान का हालत खराब पड़ दिया साहब सब देश कोई तो 370 से जनता का क्या फायदा है गरीबों का क्या फायदा है। आप भी तो जमीन लिए होंगे जम्मू तो जेएमएम का कार्यकर्ता लग रहे हैं। हम किसी का कार्यकर्ता नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, पब्लिक हैं और पब्लिक देख रहा है कि गारंटी तो की बात है। वहाँ से लेगा या नहीं लेगा क्या करेगा क्या बोले वहाँ से लेगा वो कहाँ दे रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2 साल से कहाँ दे रहा है सब जगह इतना बड़ा देश में सबको दे रहा है एक बार में सबको हो जाएगा नहीं होगा वो कहने से क्या होगा 24 में आएगा मोदी। नमस्कार जोहार आदाब मैं हूँ आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज और अभी चल रहा है चुनावी माहौल और हर जगह नजर आ रहा है मोदी जी के गारंटी। तो मोदी जी के गारंटी बाबा को उनकी कौन सी गारंटी पसंद आई और उसके कौन से गारंटी से खुश हुए बाबा जी पहले आपसे परिचय ले लेते हैं। बाबा का नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रियनाथ पाठक विद्रोही। हम सामाजिक कार्यकर्ता दुमका के हैं और ये गारंटी जो दे रहे हैं ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। आज महंगाई बेरोजगारी और तमाम जनता त्रस्त है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था अभी 1000 पार हो गया। रेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा और क्या क्या नहीं बेचेंगे ये तो कहना मुश्किल है। हर जगह मोदी जी का गारंटी का पोस्टर लगा हुआ है। सब झूठा वही है, कोई गारंटी उनका नहीं है, झूठ बोलते हैं वोट लेने के समय और उसके बाद जनता का समस्या भूल जाते हैं। आपको पसंद नहीं को गारंटी? हमको पसंद नहीं है, ये झूठ झूठ का जुमला है, ये झूठ वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। बाद में किसी को भी गरीबों को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन बंद कर दिए, यहाँ का माइनिंग जो है उसका 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रख लिया, वह जब मांगता है तो उस नेता को जेल में भर देते। आज जनता हेमंत सोरेन का सहानुभूति के माने सहानुभूति दे रहा है क्योंकि वह जमीन उनके नाम से है ही नहीं और उसको ईडीआर सीआईडी लेके जेल में बंद कर दिया। तो जेएमएम का कार्यकर्ता लग रहे हैं? हम किसी का कार्यकर्ता नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, पब्लिक हैं और पब्लिक देख रहा है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है। पूरा विश्व में अभी मोदी जी का डंका चल रहा है, मोदी जी के गारंटी सब का लोहा मान रही है। उसके नहीं, ये सब झूठा है। विस्थापित राजमसान जो डैम के विस्थापित रो रहा है, इसका मुआवजा नहीं मिला, इसका पुनर्वास नीति के तहत कोई सुविधा नहीं दिया गया, यहाँ कमिश्नर का आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, दुमका डीसी भू अर्जन को भेज देता है। आप मोदी जी के आपका मसान जोड़ा जाए आपका काम करवाने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का धांधली है ये। जिस समय 55-56 में मसान जोड़ डैम का निर्माण हुआ था उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इंटरफेयर किया था। यह कनाडा सरकार के आर्थिक सहयोग से बना था और एक हर साल विस्थापित को फसल क्षतिपूर्ति देना था, लेकिन यह सेंट्रल गवर्नमेंट और इस तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50 साल का एग्रीमेंट बंगाल सरकार के साथ कर दिया और वह भी एग्रीमेंट पेपर अभी किसी को मिल नहीं रहा। लेकिन बाबा एक बात पूछना है कि मोदी जी ने जो गारंटी दिया था कि इन 10 सालों में पूरा करेंगे तो उन्होंने तो पूरा किया, 370 नहीं किया, 370 हटाया ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ाया, 370 तो हटाया। 370 से जनता का क्या फायदा है, गरीबों का क्या फायदा है? आप भी तो जमीन लिए होंगे जम्मू कश्मीर? नहीं, हम काहे लेंगे, हम झारखंडिया हैं, हम झारखंड में रहते हैं, मेरा जमीन सरकार लूट लिया 19,000 एकड़, 144 गांव का जमीन, हम काहे के लिए जाएंगे? आप भी विस्थापित है? हम भी विस्थापित है। और मोदी जी ने वादा जो पूरा किया अयोध्या का, राम मंदिर का, राम मंदिर जो है हम लोगों का हिंदू शास्त्र में बोलता है कि अधूरा मूर्ति का प्रतिष्ठा नहीं होता है। वो मंदिर निर्माण पूरा हुआ ही नहीं और वोट लेने के लिए मंदिर का प्रतिष्ठा कर दिया। मंदिर का मंदिर होता है आत्मा, गुंबज होता है आंख, और पीछे साइड में अभी बना ही नहीं है,
और उसको अधूरा कैसे प्रतिष्ठा कर दिया। फिर भी बना तो एंड में थे कि हिंदू शास्त्र के विरुद्ध है, जिसमें शंकराचार्य भी नहीं आए। आप भी विरोध कर रहे हैं? हम भी विरोध कर रहे हैं कि पूरा होता तब करते। क्या आशा थी जो मोदी जी से, जो आपका जो आपकी क्या गारंटी थी जो आपकी पूरा नहीं कर पाए मोदी जी? हमारा विस्थापित को आज तक न्याय नहीं दे पाया। विस्थापित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां दूसरे के जमाबंदी में घर बनाए हैं वहां मारपीट होती है, आरी केस होता है। आज त्रस्त है यह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माने नीति पर। इस बार क्या लग रहा है 24 के चुनाव में मोदी हम विस्थापित नोटा में वोट डालेंगे? 24 में मोदी आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? कौन आएंगे वो बात की बात है ना, लेकिन मोदी नहीं आएंगे। झूठा झूठा आदमी नहीं आते, जनता उनका जुमला समझ गया। जनधन खाते से तो फायदा हुआ आप लोग को? जनधन खाते में क्या हुआ? बोला कि आपको खाते में खाता खोलवाइए, 15 लाख टका देंगे, काला धन लाएंगे। कहाँ काला धन? काला धन तो यहाँ के जो व्यापारी लोग है उनका कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब का कर्ज माफ नहीं किया। आज किसान त्रस्त है किसानी लोन लेकर के, खाता रहेगा तब ये उसको माने माफ होगा। कितने का माफ हुआ? ये तो झूठा है ये लोग। भाजपा से सांसद है दुमका में सुनील सोरेन, उनके काम से कितना खुश है? कोई काम से खुश नहीं है। वो अपना पद और गरिमा का ही कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में हम लोग खुश नहीं है पब्लिक। क्या बोल रहे? झारखंड सरकार कुछ देती है कि नहीं? क्या झारखंड? झारखंड सरकार की बात नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात है। वहाँ से लेगा यार, यहाँ नहीं लेगा, क्या करेगा? हाँ क्या बोले? वहाँ से लेगा वो, कहाँ दे रहा? मैंने सरकार से लेगा, यहाँ से वितरण नहीं करेगा, क्या करेगा? दिया ही नहीं। यानी मोदी जी भेज रहे हैं हेमंत सोरेन ने नहीं? हाँ, सब कोई ऐसे चोर यहाँ बैठा रहता है। 1000 करोड़ रुपया माइनिंग का पड़ा हुआ है, कहाँ नरेंद्र मोदी दे रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2 साल से कहाँ दे रहा है? सब जगह इतना बड़ा देश में सबको दे रहा है, एक बार में सबको हो जाएगा? नहीं होगा। वो कहने से क्या होगा? 24 में आएगा मोदी? हाँ मोदी आएगा जी। जो बाबा बोलता है ना, ये आँख में देख ले, कितना दिन है? ज्यादा दिन तो है अभी। वोट का कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मोदी जी का गारंटी में आपको कौन कौन गारंटी पसंद हुआ? कि मोदी जी का काम गारंटी हमको कुछ नहीं हुआ। सब देश आँख दिखाता है उसमें हम लोग सार है कि नहीं, यही एगो है। नहीं दिया, नहीं दिया, लाश नहीं दिया, भौंकी मेरा कही, मैंने पूरा विश्व में डंका बजा। हाँ डंका बजा, और जो है सो हम लोग भूख में मर जाए, लेकिन दूसरा देश से कायर नहीं बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान का हालत खराब कर दिया। तब सब देश कोई आंख नहीं उठा सकता है। बाबा आप बोल रहे हैं, देखिए भारत मजबूत हुआ है, ठीक है। विदेशी नीति इनका ठीक है, विदेश नीति में हम समर्थन करते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा विदेशी नीति और देश। विदेश नीति मोदी जी का ठीक है, नहीं विदेश नीति में इनका विदेशी नीति ठीक है। सब चोर पाल के रखा है, अभी सुधारने में बहुत टाइम लगता है। बिगड़ा हुआ लड़का को आप नहीं सुधार सकते। जो घर में आपको दारू पीता उसको कभी नहीं। बता दीजिए कि 5 गो का मनाया क्या किया है बीजेपी? हाँ, बता दीजिए 5 गो मोदी जी का काम कौन सा पसंद है? बता दीजिए। 3 गो काम सुनिए, 3 तालाक हटाया। अच्छा 3 तालाक हटाया, आप कितना अच्छा बात। 3 तालाक अच्छा, 370 हटाया, 370 हटाया, चलिए और अच्छा। एगो तो मान लिया वहाँ भव्य राम मंदिर बना, राम मंदिर तीन है बाबा, 3 काम हुआ, आप 3 काम से ना खुश है? 3 तालाक से खुश है कि नहीं? नहीं, 3 तालाक ठीक है। कोरोना में खर्चा हुआ मोदी सरकार को, के दिया उसको? के दिया? जनता दिया। हाँ जनता तो देवे करेगा, सब में देता, ही नहीं लेगा जनता लिया दूसरा सरकार। अच्छा बाबा एक बात पूछ रहे थे, तीन तलाक राम मंदिर 370 हटाया, आपको कौन सा, आपको मतलब कितना बेनिफिट हुआ? आपका प्रश्न नहीं फिर चाहिए हमको, ये चाहिए जो यहाँ मर्द का तालाब हमारा भारत वर्ष रहना चाहिए। हमको दे ना दे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम मजबूत होना चाहिए, हम खटेंगे खाएंगे। कौन शर्मा किसी को दे सकता है? क्या कोई नहीं। नाम क्या हुआ बाबा? नाम क्या हुआ? डोमर सिंह नाम है। कहाँ से है? हम करों से है। 24 में कौन? मोदी जी? मोदी होबे करेगा, कहने से आदमी बजा ले जितना डंका बजावे, लेकिन आएगा वही। देखिए आएंगे मोदी जी, आप बोलते हैं आप 24 में मोदी जी दिया नहीं है विस्थापित को, तो हम तो बोलेंगे बाबा को 3 तलाक मिल गया, बाबा को 370 मिल गया, जमीन लूट लिया, आज तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिया 19,000 एकड़ का, हम तो बोलेंगे।
आप बोलिए, बोलने का किसी को हर किसी को हक है बोलने का। महंगाई से कुछ दिक्कत होगा हो रहा है? नहीं, महंगाई होगा नहीं। उस टाइम में हमको 1.5 रुपया समूचा दिन में दिहाड़ी था, या अभी हम 500 कमा रहे हैं, तो महंगाई नहीं होगा। तू बाप घर से क्या मोदी हर चला करके वहाँ जो है सो खेत बना कर रोप रहा है क्या? टमाटर रोप रहा है, प्याज रोप रहा है, वो यही लोग का चीज इसी को देगा उल्टा पुल्टा। बताइए, महंगाई का भी कोई असर नहीं है? महंगाई सब ठीक ठाक है इनके पास? नहीं, महंगाई क्या है? 500 रुपया हम 1000 रुपया कमा लेते हैं, तो मान लीजिए इतना हम कमा लेते हैं तो हमको क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, हमको समूचा दिन खटते हैं उतने चाहिए। साई उतना ही दीजिए, जाको मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु पास हो जाए। चलिए, इतना ही देना है। और ये चुनावी बिगुल शुरू हो गया, चुनावी ठेला का जो आज हम प्रारंभ किया है, जमा करना चाहते हैं, जमा नहीं होगा के कोर्ट से। और ये गर्मा गर्म बात सुने कि 24 में कौन? रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।